बॉलीवुड की एक्शन हिस्ट्री। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, तभी तो हमारे चैनल पर आए हैं। मेरा नाम है रोहित नारवारा और मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। आज के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक से जुड़े वीडियो देखने के लिए, वैसे टॉपिक काफी सिंपल है, पावरफुल है और मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री के सालों साल बदलते एक्शन। देखिए, बॉलीवुड फिल्में अपनी काल्पनिक कहानियों, ड्रामा, नाच गाने के साथ साथ अपने ओवर द टॉपिक एक्शन के लिए भी जानी गई है। वैसे तो हम दशकों से कई एक्शन फिल्में देखते आ रहे हैं और समय के साथ साथ इन एक्शन फिल्मों के बदलाव भी देखने को मिले हैं और आज हम उन्हीं बदलाव के बारे में बात करेंगे। 70 का दौर यानी डॉन डॉन डॉन, जी हाँ, 1978 की ये फिल्म एक डॉन के कारनामों के बारे में थी, जिसमें मुख्य किरदार निभाया बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी ने। इस फिल्म के एक्शन की बात करें तो ये ज्यादातर हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर बेस्ड थी, या ज्यादा से ज्यादा रिवॉल्वर और बॉम्ब्स का इस्तेमाल इसमें देखा गया था। 70 के इस फिल्म में बेसिकली ड्रग्स की स्मगलिंग, खुफिया अड्डों और एक खतरनाक से दिखने वाले मिडिल एज गुंडे के साथ बनाई जाती थी। वहीं अर्ली 70s की कुछ फिल्मों में तो ढिशकियाओं के साउंड इफेक्ट भी इस्तेमाल किए जाते थे फॉर एक्स्ट्रा इम्पैक्ट, जो उस समय फिल्मों में जान डाल देते थे। लेकिन आज भी हम उन्हीं फिल्मों को देखते हैं तो वो काफी बचकाने और ह्यूमरस लगते हैं, क्योंकि 70s में शोले, दीवार, मुकद्दर का सिकंदर और त्रिशूल जैसी बेहतरीन एक्शन फिल्में रिलीज हुई थी। वहीं 80s की बात करें तो ये रोमांस और एक्शन की क्रांति लाई। अनिल कपूर और सनी देओल ने फिल्मों में एंट्री ली। सनी पाजी, जिन्होंने सलमान खान से पहले 1985 में रिलीज फिल्म अर्जुन के लिए अपनी शर्ट उतारी और बॉक्सिंग ग्लव्स पहने, उनके साथ हमने एक लोहे की रॉड देखी जिससे उन्होंने गुंडों को अच्छे सबक सिखाए। इसी तरह 1985 में रिलीज हुई अनिल कपूर की फिल्म मेरी जंग में भी हमें हीरो का रास्टिक लुक देखने को मिला, जो हथियारों के नाम पर बंदूक और चक्कू तक सीमित रहा, बल्कि बाजुओं में इतना दम था जिसके आगे विलन घुटने टेक देता था। वहीं सिर्फ इस एरा में एक अलग चीज देखने को मिली, वो थी हीरोइन का भी एक्शन में हाथ आजमाना। 1988 की रिवेंज स्टोरी खून भरी मांग में द रिवेंजिंग रेखा जी ने अपने एक्स हस्बैंड पे एक राइफल से शूट करते हुए फेमिनिज्म का नया एग्जांपल सेट किया था। 19 का गोल्डन एरा था सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार का, जिसमें हमें कुछ नई तरह के एक्शन सीक्वेंस दिखाई दिए। 1991 में रिलीज हुई हम, जो एक कल्ट मूवी रही, जिसमें तीन बड़े कलाकार अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और गोविंदा थे। फिल्म में एक अंडरग्राउंड गोडाउन में क्रेन के साथ दुश्मन को बांधकर अमित जी ने उन्हें खूब धोया, तो वहीं रजनीकांत जी का मुंह में सिगरेट दबाए। फिर एक्शन दिखाने का अंदाज आज भी सबको याद है। इसी साल बॉलीवुड के सिंगम यानी अजय देवगन की फूल और कांटे भी रिलीज हुई थी। याद है कैसे उन्होंने दो बाइक पर पैर रखकर एंट्री मारी थी। फिर सनी पाजी की घातक और संजू बाबा की वास्तव ने भी हमें भर भर कर एक्शन दिया। ये कह सकते हैं कि सबसे डेडलीएस्ट और खून खराबे से भरा एरा 90s के नाम ही है। देखो, सन 2000 का जमाना आ गया। 2000 के बाद से बॉलीवुड ने कई पैतरे एक्सपेरिमेंट किए एक्शन के माध्यम में। धूम और क्रिश में जिस तरह VFX और CGI और ग्रीन सीन्स का बेहतरीन काम देखने को मिला, तो फिल्मों के लिए एक्टर्स अब खुद एक्शन करने को उतरे, और तो और विदेशी स्टंट कोऑर्डिनेटर्स बुलाए गए। फिर टाइगर श्रॉफ ने मार्शल आर्ट का तड़का लगाया, ऋतिक ने बाइक पर बैठे बैठे दुश्मनों को विदेश में मार गिराया, फिर चांदनी चौक टू चाइना में अक्षय ने इंटरनेशनल लेवल के कुंफू कराटे वाला अंदाज हो, या सूर्यवंशी में उनका हेलीकॉप्टर से लटकने वाला स्टंट, फिर रोहित शेट्टी ने भी सिंघम में गाड़ियां उड़ानी शुरू कर दी, जो मानो एक ट्रेंड बन गया। और अब सुना है कि टाइगर श्रॉफ अपनी अपकमिंग फिल्म में एरियल एक्शन करने वाले हैं, और शाहरुख खान तो अपनी अपकमिंग फिल्म पठान में बुर्ज खलीफा पर एक्शन करते दिखेंगे। यानी बॉलीवुड गॉन फुल ऑन हॉलीवुड। तो दोस्तों, इतना सब सुनने और देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन से डिकेड ने मारी है एक्शन में बाजी? ओल्ड स्कूल सनी देओल स्टाइल या आज के टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।
और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।